इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास करके है जो विज्ञान और रहस्य से जुड़ी विषयों में रुचि रखते हैं। आप सब में से काफी लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। यहाँ से गुजरने वाले कई शिप्स और एयरक्राफ्ट बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गए हैं। वो शिप्स कहाँ गए, उनके यात्रियों का क्या हुआ, ये बात आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्यमयी जगह पर हो रहे वारदातों का विश्लेषण नहीं कर पाया। हालांकि हाल में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दी गई थ्योरी काफी हद तक ठीक है और बहुत सारी छुपी रहस्यों का पर्दाफाश करती है, पर इससे पहले हम इस थ्योरी को जानें, चलिए बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ताकि हम समझ सके कि इस इलाके को इतना रहस्यमय क्यों कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के 13,00,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल को मिलाया जाए फिर भी यह आकार में बड़ा ही साबित होगा। इस ट्रायंगल की शुरुआत और अंत कहां से कहां तक होती है, इसका सटीक अनुमान तो शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को ठीक ठाक अंदाजा जरूर है। ऐसा कहा जाता है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों के कंपास मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से ठीक से काम नहीं करते। शायद यही वजह है कि कई जहाज और हवाई यान इस क्षेत्र से लापता हो गए हैं। हालांकि ऐसा समुद्र में कई जगह हुआ है जहां से जहाजें लापता हुई हैं, पर जो बात बरमूडा ट्रायंगल को खास बनाती है वो है यहाँ से जहाजों की गायब होने की संख्या, जो कि बहुत ही ज्यादा है। यहाँ से कई लोग गुजरे और उन्होंने अपने अनुभव को रिकॉर्ड किया है। उनका कहना है कि उन्हें आसमान में बादलों का सुरंग दिखाई देता है, जिसके अंदर जाते ही बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। कोई भी यंत्र ठीक से काम नहीं करते और स्थिति बद से बदतर होती जाती है। वैज्ञानिक इस सुरंग को इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी कहते हैं, जो कि समुद्र से उठता है और आसमान तक जाते जाते एक बवंडर का रूप ले लेता है। सोचने वाली बात यह है कि ना केवल इस क्षेत्र से जहाजे और विमान गायब हुए हैं, बल्कि उनका मलबा तक आसपास कभी नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य इतना रोचक और आश्चर्यजनक है कि इस पे कई किताबें और कई फिल्में भी बन चुकी हैं। कई लोगों का ये तक मानना है कि यहाँ समुद्र के तले में दूसरी दुनिया के लोगों ने अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है और वो इंसानों पर रिसर्च करने के लिए यहाँ से जहाजों और विमानों को गायब कर देते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन सारी थ्योरीज को झूठा करार देते हुए हाल में एक ऐसी थ्योरी दी है जिससे कई सवालों का स्पष्ट जवाब मिलता है। तो चलिए हम आपको उस थ्योरी के बारे में विस्तार से बताते हैं। अमरीकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल पर होने वाले रहस्यमयी घटनाओं के लिए वहां की 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफान ही सबसे बड़ी वजह है। इस तेज तूफान को एयर बॉम्ब कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर स्थित बादलों का आकार एक हेक्सागन की तरह है। ये चित्र सैटेलाइट से ली गई हैं, जो कि इस थ्योरी की पुष्टि करती हैं। ये हेक्सागन क्लाउड्स इस तरह से नीचे दबाव डालता है कि इस क्षेत्र में हवाएं 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती है। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि हवा में विनाशकारी बॉम्ब जैसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस एयर बॉम्ब की शक्ति का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि इसकी वजह से समुद्र की लहरें लगभग 50 फीट तक उठने लगती है। अब इस बात का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि इतनी ऊंची उठने वाली वेव्स एक छोटे से जहाज को डुबाने के लिए काफी होती है। इस क्षेत्र के ऊपर बने हेक्सागन क्लाउड्स लगभग 30 से 60 किलोमीटर के दायरे में फैले होते हैं। ये ठीक उस प्रकार के बादल है जैसा कि शनि ग्रह के आसपास रिंग के आकार में पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि जब कभी भी बड़ा तूफान आता है तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, छोटे घर उजड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी बवंडर में उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इन हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से जो तूफान उठता है उनके अंदर हवाई विमान खींचे चले जाते हैं। समुद्र में उठ रही बड़ी लहरों में भी कई जहाज डूब जाते हैं और शायद यही वजह है कि इस क्षेत्र में जहाज और विमान अक्सर गायब हो जाते हैं। अगर हम अंकों पर भरोसा करें तो 1945 से लेकर 1965 के बीच में बरमूडा ट्रायंगल में से 8 विमान रहस्यमय तरीकों से गायब हो चुके हैं।
1 अक्टूबर 2015 को बरमूडा ट्रायंगल में से एक समुद्री जहाज का मलबा करीब 15,000 फीट की गहराई में मिला, जो कि ठीक एक महीने पहले यहाँ से गायब हुआ था। आज भी करीब हर साल इस क्षेत्र से औसतन 3 विमान और 8 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाती है। इनके गायब होने के पीछे का राज क्या है, ये तो शायद कोई नहीं जानता, पर फिलहाल के लिए वैज्ञानिकों द्वारा दी गई ये थ्योरी काफ़ी हद तक सच लगती है और शायद आने वाले समय में बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी ऐसी कई सवालों का जवाब भी दे सकेगी। तो दोस्तों, आज आप और हम मिलकर बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमय दुनिया के सफ़र को यहीं समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चूँकि ये हमारे चैनल की सिर्फ तीसरी वीडियो है, हमारे लिए ये जानना अनिवार्य है कि आप में से कितने लोग विज्ञान से जुड़ी रहस्यमय बातों में रुचि रखते हैं। तो अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो हम जल्दी एक नया वीडियो लेकर आएंगे जहाँ हम कुछ और रहस्यमय बातों का पर्दाफाश करेंगे। साथ ही आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो काफ़ी रोमांचक और दिल दहला देने वाली होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव या कोई अन्य सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए।